एक अभूतपूर्व दौर से हम आप और देश गुजर रहा है, जहां शब्द अपने अर्थ खो रहे हैं। सच को झूठ साबित करने की मशीनरी इतनी तेज है कि सच के पसीने छूट रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और अब तो सीधे सीधे आरएसएस पूरी निर्लज्जता के साथ इस खेल को खेल रहा है। मीडिया को फोन करके, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में फोन करके इनकाउंटर को लाइव कवर करने के लिए बुलाया जाता है और मीडिया दौड़ा दौड़ा जाता है। ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल हो सकता है उसे कवर करने के लिए मीडिया पहुंचता है और कहीं से भी कोई सवाल नहीं उठता। ऐसे दौर में मीडिया की पड़ताल करने के लिए न्यूज क्लिक के इस कार्यक्रम मीडिया पे खरी खरी की हम शुरुआत करते हैं। We are against the death penalty. They pick वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत लगातार नीचे खिसकता जा रहा है और वर्ष 2018 में 136 से नीचे लुढ़ककर 138वें पायदान पर आ गया है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी सीधे सीधे खतरे पर है और हमले बहुत बड़े हैं। बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों और वहां पर भी भाषाई पत्रकार यानी वर्नाकुलर जर्नलिस्ट सरकार, माफिया, सुपारी किलर का शिकार बने हुए हैं। पत्रकारों की आवाज को बंद करने के लिए उन पर सीधे सीधे गोली चलाई जा रही है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, पिटाई की जा रही है, ट्रॉल किया जा रहा है और ये लगातार जो कुछ हो रहा है यह मीडिया में कहीं से आ नहीं रहा है। इसके बारे में एक बहुत अहम कन्वेंशन दिल्ली में हुआ 22 और 23 सितंबर को। इस कार्यक्रम का आयोजन किया नेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट ने और जिसमें तमाम तरह की वेबसाइट्स जुड़ी हुई हैं, छोटी बड़ी तमाम संगठन जुड़े हुए हैं और ये अपने आप में एक बहुत अहम आयोजन था। इस आयोजन की खासियत ये थी कि इसमें मीडिया कर्मी, संपादक से लेकर सिने स्टार तक सारे लोग आए। देशबंधु के ललित सुरजन से लेकर सिने स्टार प्रकाश राज और तीसरी दुनिया से जुड़े आनंद स्वरूप वर्मा ने इस कार्यक्रम का विमोचन किया और सबसे अहम बात, इस मौके पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई जिसमें मीडिया का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया। कुल मिलाकर 200 ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन किया गया जिसमें पत्रकारों पर हमले हुए, उन्हें मारा गया, उन्हें जिंदा जलाया गया, उन्हें धमकियां मिली और उन पे नकली फर्जी केस दर्ज किए गए। ये दस्तावेज अपने आप में बहुत अहम है। इसमें छत्तीसगढ़ में मारे गए पत्रकार उमेश राजपूत का जिक्र है, जिन्हें गोली मारने वालों ने यह नोट भी छोड़ा था कि खबर छापना बंद कर दो वरना मारे जाओगे। ऐसे करीब 28 मौतों का डिटेल इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में जिसमें कश्मीर के जाबाज पत्रकार शुजात बुखारी हैं, कर्नाटक की दिलेर पत्रकार गौरी लंकेश, मध्य प्रदेश के भिंड इलाके के संदीप शर्मा, बिहार के नवील निश्चल और विजय सिंह, बंगाल के सुदीप दत्ता भौमिक आदि तमाम लोग शामिल हैं और उनके बारे में बताया गया है कि वे क्या काम कर रहे थे, किन रिपोर्टों को लेकर उन पर हमले किए गए और अंततः उन्हें जान गंवानी पड़ी। अगर आप यह सूची देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई अपने इलाके में, वह इलाका छोटा हो सकता है, वह इलाका बड़ा हो सकता है, लेकिन उस इलाके में इनके बहुत रसूख था। ये एक निर्भीक पत्रकार के तौर पे अपनी पहचान बना चुके थे और इनकी जो रिपोर्टें थी वह वहां के सत्ता के लिए बहुत परेशान कुन थी और इन लोगों को मरवाने के पीछे जो केस चल रहे हैं, जो बहुत ही अलग ढंग से केस चल रहे हैं, क्योंकि उसको आगे न्याय दिलाने में और दोषियों को पकड़वाने में कोई भी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि मरवाने वाले माफिया के लोग हैं, मरवाने वाले नेता हैं, मरवाने वाले लोग ऐसे हैं जिनका सत्ता से सीधा सीधा रिश्ता है। इसके बारे में बैठकर एक जगह बात करना नहीं हुआ है और वह भी देश की राजधानी में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और सारे के सारे पत्रकार सबका यहां आना और अपनी आत्मबीती का कहना और यह बताना कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वह डिसेंट यानी विरोध में उठी हुई आवाजें, विरोध में उठी हुई रिपोर्टों को सुनने और देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और खास तौर से मोदी राज में जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, इस बात को बहुत गहराई में, बहुत दर्द के साथ इन तमाम पत्रकारों ने देश की राजधानी में रखा। खबरों में राफेल बना ही हुआ है,
मोदी सरकार चाहे जितनी कोशिश करे और जो मोदी सरकार का गोदी मीडिया है वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन घूम फिर कर जो राफेल का जिन है वो सामने आ ही जा रहा है। और ख़ास तौर से अभी जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति आलांदे ने जो खुलासा किया कि रिलायंस को शामिल करने का जो फैसला था वो उसका अपना नहीं था, सरकार ने उसके पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था, ऐसे समय जो गोदी मीडिया है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई कि वह किस तरह से कवर करे। और यहाँ ध्यान दीजिए कि मोदी सरकार की तरफ से जो रक्षा मंत्री उतरी थी रक्षा में राफेल के, उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने जो बातें की थी, वह बातें सरासर उसमें 8 से लेकर 10 बिंदु ऐसे थे जो सीधे सीधे झूठ थे, जिसके बारे में विपक्षी पार्टी कांग्रेस से लेकर जो CPM CPI सब ने कहा कि निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के सामने झूठ बोला, सच को छुपाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे यह भी कहा कि JNU में देश के खिलाफ साजिशें होती हैं और वो लोग राजनीति करते हैं। देश की रक्षा मंत्री सीधे सीधे मीडिया में बोलती हैं और वो वैसे का वैसे ही कवर होता है। वहां पे अगर आप देखिए जो रिपोर्टिंग हुई तमाम अखबारों से लेकर चैनलों में, उनकी तो बिल्कुल बल्ले बल्ले थी। उनको लग रहा था कि बिल्कुल एक मुहर लगा दी है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि JNU अड्डा है देशद्रोहियों का। और वह भी तब जब JNU का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में किस तरह से भाजपा से जुड़ा हुआ जो छात्र संघ है AVVP, उसने जिस तरह से हिंसा की थी, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, जिसके बारे में वीडियो है, जिसके बारे में पुलिस में जो छात्र गए उनके बयान हैं, इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल सिरे से नकार करते हुए रक्षा मंत्री ने एक अवधारणा दोबारा से बनाने की कोशिश की कि JNU में देश के खिलाफ राजनीति करने वाले लोग हैं और उनका बोलबाला है। एक एक करके जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे यह तो साफ ही है कि राफेल को अब दबाना तो इस सरकार के लिए संभव नहीं है। वो कोशिश ये कर सकती है कि यहाँ से दिमाग डाइवर्ट किया जाए, यहाँ से दूसरे मुद्दे उभारे जाएं जिन पर उसे परेशानी कम हो। और इस पर हम बात करते हैं कि वैसे कौन से मुद्दे हैं जिसे सरकार लेकर सामने आ रही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने अपने इतिहास में पहली बार देश की राजधानी में विज्ञान भवन में 3 दिन का एक कॉन्फ्रेंस किया, और ये कॉन्फ्रेंस की लाइव कवरेज मीडिया ने की। और इसमें मुझे लगता है कि तमाम लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से ये कोशिश की जा रही है कि RSS को एक अलग प्लेटफॉर्म की तरह, एक पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह उसको मान्यता दी जाए और उसकी खबरों को सीधे सीधे लाइव काटा जाए। चिंता इस बात से नहीं है, चिंता इस बात से है जो डिबेट हुई, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो डिबेट हुई। क्या RSS बदल रहा है? क्या RSS अपना रास्ता बदल रहा है? क्या RSS में तमाम लोग शामिल हो सकते हैं? क्या RSS माइनॉरिटी के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर रहा है? और तो और, जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया में लोग हैं, संपादक जिन्हें बताया जाता है, वह लगातार इस बात की विवेचना करते रहे कि किस तरह से मोहन भागवत ने अपना स्टैंड बदला है और वह अब मुसलमानों के बारे में बात करने लग गए हैं, वह मुक्त नहीं युक्त भारत के बारे में बात करने लग गए हैं। और इस पूरे विमर्श में यह बात पूरी तरह से दरकिनार हो गई कि आखिर क्यों RSS को इस तरह की एक मीटिंग करनी पड़ी और उसमें तमाम लोगों को, सेलिब्रिटीज को बुलाना पड़ा और यह बताना पड़ा कि RSS देशभक्त है, RSS ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है, और तो और संविधान के बारे में उनका कहना है कि इस संविधान को हम मानते हैं। यहां जो मूल सवाल उठाया जाना चाहिए था कि जब मोदी सरकार का ग्राफ इतना तेजी से नीचे गिर रहा है, वह एक अनपॉपुलर PM के तौर पर साबित हो रहे हैं, ऐसे में सीधे सीधे RSS का सामने आना और यह कहना कि इस RSS में तमाम लोगों की शिरकत हो सकती है, जो कि जो लोग जानते हैं वह जानते हैं कि RSS में तमाम लोगों की शिरकत नहीं हो सकती है, और जो नफरत की राजनीति RSS करता रहा है उसी का फलीभूत है कि आज BJP की सरकार बनी हुई है, देश भर में लिंचिंग हो रही है, गाय के नाम पर हत्याओं का दौर है, जाति के नाम पर हत्याओं का दौर है, क्योंकि यह एक विचारधारा है जो मानती है कि जो हिंदू हैं और हिंदू में भी जो डोमिनेंट कास्ट का हिंदू है वही सबसे सुप्रीम है। इस सुप्रीम हिंदू को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश में जब RSS लगी तो सारा मीडिया उसी तरह से धुन बजा रहा था
जैसे वह चाहती थी आरएसएस की लोग बजाएं और लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि आरएसएस तो बहुत अच्छी है, आरएसएस तो युक्त भारत चाहती है, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहती है। यह जो खतरनाक खेल, मैं दोबारा यहां कहूंगी कि जो अवधारणा बनाने का खेल आरएसएस के इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया ने किया, वह बहुत खतरनाक है। बहुत कम लेख आए, लेख ऐसा नहीं कि आए, हिंदी में तो और भी कम लेख थे, वर्नाकुलर मीडिया में तो और भी कम लेख थे जो ये बताएं कि आरएसएस की असली मंशा क्या है, किस तरह से वो जो लोगों का विरोध है, चाहे वो पेट्रोलियम को लेकर हो, चाहे वो गरीबी को लेकर हो, चाहे वो भुखमरी को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, और वो जो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार से, इस पर रिपोर्ट करने के बजाय यह रिपोर्ट हो कि देखिए अब देश को बनाने और संवारने का काम मोहन भागवत के नेतृत्व में होगा, और मोहन भागवत अंत में यह कहेंगे कि नोटा पे बटन मत दबाइए और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो तो वहीं की वहीं है। और उन्होंने खास तौर से जो कहा वो देखिए, तमाम मीडिया घरानों में चर्चाएं अपनी अपनी चलती रही, किसी ने यह नहीं कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो कोहराम होगा। यह संदेश नहीं दिखाई दिया कि माइनॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट को जो अंडरमाइन करने की कोशिश पहले भी आरएसएस करता रहा है, दोबारा उसने बहुत मजबूती से की, इसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। आखिर क्यों? देश में हो रही सीवर में मौतों पर एक चर्चा चल रही है, एक विमर्श चल रहा है, और गुस्सा फूट रहा है सड़कों से लेकर अलग अलग बस्तियों तक में। पिछले दिनों देश में 10 दिनों के अंदर 11 सीवर में मौतें हुई, जो इसमें दिल्ली में 6 और छत्तीसगढ़ में 5, और अगर पूरे देश का आंकड़ा उठाएं तो तकरीबन 1800 के करीब लोग, जी हां, भारतीय नागरिक इस सीवर में गटर को सफाई करते करते, सेप्टिक टैंक की सफाई करते करते अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसके खिलाफ एक बड़ा कॉल दिया गया, यह कॉल है कि 25 तारीख को पूरे देश भर में स्टॉप सीवर डेथ, सीवर में मौतों को रोको, और इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उनको अकाउंटेबल बनाओ, उनको जिम्मेदार बनाओ का एक नारा सफाई कर्मचारी आंदोलन ने दिया है। अभी तक, जी हां, अभी तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री इस बात की चिंता कर लेते हैं कि दूसरी पार्टी का जो एक व्यक्ति है, जो दिल्ली का अध्यक्ष रहा है, वो जो इलाज के लिए जाता है तो ट्वीट करके बोलते हैं कि गेट वेल सून, लेकिन जब उनकी नाक के नीचे 6 लोग मरते हैं और देश में उस अवधि में, सिर्फ उस अवधि में एक हफ्ते का काउंट है जब 11 लोग मरते हैं, और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है, प्रधानमंत्री के यहां फैक्स किया जाता है, तब भी प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं होते। आखिर यह जो समुदाय है और इस समुदाय के पक्ष में खड़े जो छात्र हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो क्या मांग कर रही है? वो सीधी सी मांग कर रही है कि देश का जो कानून है उसे लागू किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे लागू किया जाए, और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये भारतीय नागरिक हैं जो अपनी जान छोड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में मीडिया को जो कैंपेन मूड में आना चाहिए था, उस तरह से सवाल उठाता हुआ वो कैंपेन मूड नहीं दिखता। खबरें हैं, और ये बहुत सकारात्मक पक्ष है कि ऐसे एक दलित समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे पर इतनी लंबी कवरेज हो रही है और एक मानवीय पक्ष इसका उभारा जा रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल पक्ष है इसका, जो स्वच्छ भारत को सीधे सीधे चुनौती देने वाला पक्ष है, उस पर बातें बहुत कम हो रही हैं, वैसी आवाजें बहुत कम हैं जो सीधे सीधे ये पूछें कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस पर क्यों नहीं अभी तक मुंह खोला। जो पॉलिटिकल एपैथी है, जो एक पूरा का पूरा डेलिब्रेट है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार करना है, यह कब टूटेगी? लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार ये जो समुदाय है, ये जिस हौसले के साथ सड़क पर उतरा है और उसके पक्ष में जो सिविल सोसाइटी दिखाई दे रही है, मीडिया कर्मी दिखाई दे रहे हैं, और एक ऐसा तबका दिखाई दे रहा है जो ये मान रहा है अंदर से कि यह जातिवाद का दंश है और इसे दूर होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल इस सरकार के लिए और हम मीडिया कर्मियों के लिए जरूर बनेगा। बंद है तो और भी खोलेंगे हम, रास्ते हैं कम नहीं तादाद में, रास्ते खोजते रहेंगे हम, खबरों की पड़ताल करते रहेंगे हम, और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अगले हफ्ते फिर नए कुछ सवालों के साथ आपसे होते हैं रूबरू, तब तक दीजिए विदा, शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick up news from the city. हिंसा भड़काने के लिए आपको वाह मोदी।